रहकर कोशिश जारी है उसको लेकर भी, और विधानसभा इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए भी केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है बड़ा एक्शन। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार भी चल रहा है। कठुआ और डोडा में खासतौर पर सेना का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना पूरी मुस्तैदी के साथ तलाशी अभियान में जुटी हुई है। आतंकियों के सफाई के लिए ये सर्च ऑपरेशन जगह जगह जारी है। सेना पूरी मुस्तैदी के साथ ये तलाशी अभियान इसलिए भी चला रही है ताकि जो छिपकर बैठे हुए आतंकी हैं, कायर आतंकी हैं, उन तक पहुंचा जा सके और आतंकियों को ढेर किया जा सके। कठुआ और डोडा ये दो वो हिस्से हैं जहां पर आतंकी रह रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में दिखे या फिर उन्हें अंजाम दिया गया। 75 ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है और इन पर शक है इन आतंकियों को सपोर्ट करने का, मदद करने का। सेना पूरी मुस्तैदी के साथ तलाशी अभियान चला रही है और उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है जिनके जरिए लगातार जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सेना पूरी मुस्तैदी के साथ ये तलाशी अभियान चला रही है और बहुत जल्द ये कोशिश कि आतंकियों तक न सिर्फ पहुंचा जाए बल्कि उन्हें ढेर भी किया जाए। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल जो कि लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर में अखनूर में संदिग्ध हथियारबंद को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, बड़ा तलाशी अभियान भी चलाया। अजय जांडियाल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। अखनूर में बीती रात 3 संदिग्ध देखे गए जिनके पास हथियार थे और उसी के बाद इस वक्त सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है इनकी तलाश में और कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को, अगर ये आतंकी हैं तो इनको पकड़ा जा सके या मार गिराया जा सके। हम इस वक्त अखनूर के उसी जगह पर हैं जहाँ पर सबसे पहले संदिग्ध जो हैं वो देखे गए थे। हमारे साथ रवि हैं। रवि जी, क्या हुआ था रात को, कितने बजे की बात? सबसे पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम रवि है। तो मैं इधर सर सोया था, रात 12:30 बजे की बात है, तो अचानक ऐसे ही मेरे को हाथ लगा, तो मैं ऐसे ही धक से उठ गया तो आगे देखा बंदा वहाँ पे, तो मुझे बोलता है पानी हैगा। मैं पानी तो हैगा, लाइट बंद है, पानी अंदर हैगा। तो फिर बाद में बोलना कॉल, मैंने बोला मैं नौकर आदमी हूँ, मालिक घर में सोए हैं तो मेरे पास फ़ोन नहीं है। फिर दो बंदे उधर साइड में थे, उनको उन्होंने कोई अपने पासवर्ड में कैब बोला, फिर उनको इशारा करवाया, वो भाग गए। भाषा कौन सी बोल रहे थे? जो एक ही बंदे ने मेरे साथ बात की उसने ऐसे ही थोड़ा पंजाबी टाइप में बात की, पानी हैगा और कॉल के लिए बोला, वो इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया था उसने। ये बताइए कि जब रात को यहाँ पे आपने देखा उसके बाद आपने क्या किया और जिनको देखा उनके पास कोई हथियार या किस तरह की वेशभूषा थी? उन्होंने एक साइड में वेपन डाला हुआ था और बैग थे उनके, ऐसे राइडर की तरह बिल्कुल पैक थे वो। दुबले पतले थे? नहीं, बिल्कुल मीडियम बॉडी था मगर हाइट अच्छी थी, एक थोड़ा छोटा था जो बात कर रहा था। तो ये बताइए उसके बाद आपने क्या किया जब ये हुआ? मैं सीधा डर के सीधा घर चला गया दौड़ता हुआ। फिर मैंने पापा को बताया, पापा बोल रहे आप अपने लम्बरदार से बात कीजिए। फिर लम्बरदार को किया, फिर मैंने नायब साहब को किया, अपने नायब सरपंच को, उन्होंने फिर खाने चक में किया, तो फिर पुलिस ने कॉन्टैक्ट किया, आर्मी वालों ने एस ओ जी आ गई। डर लग रहा है उसके बाद से? हाँ डर तो है, डर तो है सर। आपको बता दूं कि देर रात की ये घटना है, यहीं पर इसी यहीं पर बिस्तर लगाकर जो है ये जो रवि हैं वो सो रहे थे। और ये इलाका अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जो इलाका पड़ता है ये दरअसल इसके नीचे जो पड़ता है वो प्लावाला जो सेक्टर तकानाचक सेक्टर का बॉर्डर आता है, इसलिए इस चीज़ की आशंका बनी हुई है कि ये आतंकी हो सकते हैं और बॉर्डर से शायद ताज़ा घुसपैठ हो। दो शख्स यहाँ पे खड़े थे, एक शख्स जो है वो रवि से सवाल कर रहा था कि आपके पास कुछ है पीने के लिए, पानी है या कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने रिफ्यूज़ किया। अब पूरे इलाके में जो है बड़ा लेवल पर तलाशी अभियान शुरू हुआ है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाली जो चल रही है उसको नुकसान पहुंचाने की जो पाकिस्तान की मंशा है उसे नाकाम किया जा सके। मंडी डिग्रा के साथ अजय जिंदाल, इंडिया न्यूज़ अखनूर। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक।